अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल। सो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको बहुत मेकअप करना नहीं आता या बहुत जानकारी नहीं है, या फिर वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 10 मस्ट हैव मेकअप प्रोडक्ट्स फॉर बिगनर्स। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि आपके पास होना चाहिए, क्रीम या फिर टिंटेड मॉइस्चराइजर। आपके पास इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ये दोनों ही लाइट वेट होते हैं, ठीक है, और फाउंडेशन का अल्टरनेटिव होते हैं। आप क्योंकि फाउंडेशन थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम डेली बेसिस पे नहीं अप्लाई करना, इतना ठीक नहीं है, तो उसकी जगह पर आप बीबी क्रीम या फिर टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही लाइट वेट होते हैं, एक लाइट कवरेज आपको प्रोवाइड करेंगे और आपकी स्किन टोन को इवन आउट करेंगे, ठीक है, और ये बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट होते हैं फॉर नेचुरल लुक के लिए और एवरीडे लुक के लिए। तो ये सारी चीजें जो मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ, ये एक एवरीडे लुक क्रिएट करने के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। तो इन दोनों में से आप अपने फेस के कलर, अपने टोन के हिसाब से, आप ये टिंटेड मॉइस्चराइजर में आप कई मतलब टोन के हिसाब से भी आते हैं, तो जो आपको सूट करे आप वो लो, ठीक है। बीबी क्रीम बहुत अच्छी होती है डेली यूज के लिए, आप वो ले सकते हैं। शूट तो आपके पास होना चाहिए कंसीलर, जो कंसीलर आपके जितने भी ब्लेमिशेस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, इम्परफेक्शंस हैं आपके चेहरे पर, कहीं पर अनइवन स्किन है, तो इन सारी चीजों को वो अच्छे से कवर करता है। तो इसमें भी आपको मतलब अलग अलग स्किन टोन के शेड मिल जाएंगे, तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही कंसीलर लीजिएगा जो आपके फेस के टोन को मैच करे, ठीक है। ओके, अभी आते हैं थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है नेचुरल आई शेडो पैलेट। तो आपके पास एक नेचुरल टोन का आई शेडो पैलेट होना चाहिए जो कि डेली बेसिस के लिए आपको नेचुरल लुक दे। आप घर में या ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो एक नेचुरल लुक क्रिएट करे ऐसा आई शेडो पैलेट आप लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे शेड्स आते हैं अलग अलग आई लुक क्रिएट करने के लिए। तो आपको कौन सा लेना है, आपको नेचुरल टोन का लेना है जो कि वर्सेटाइल हो, आप उसको हर जगह यूज कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ प्रोडक्ट के ऊपर जो कि है ब्लैक आई लाइनर पेंसिल। तो आप सबको के पास एक ब्लैक आई लाइनर पेंसिल होनी चाहिए जो कि आपकी आंखों को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, एक डिफरेंट लुक क्रिएट करता है। इस आई लाइनर पेंसिल से आप बहुत अच्छे से आईनर लगा सकते हो। ओके, तो अब हम आते हैं अपने फिफ्थ प्रोडक्ट के ऊपर जो कि है मस्कारा। तो हम सबको पता है मस्कारा हमारी आंखों को बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है, हमारी आंखों को बड़ा दिखाता है, हमारी जो आई लैशेस होते हैं उसके वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम बढ़ाता है। तो आपने देखा होगा कि मस्कारा जरूर सारे लोग यूज करते हैं क्योंकि वो हमारी आंखों को खूबसूरत दिखाने में बहुत अच्छा काम करता है। अब आते हैं सिक्स्थ प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो छठा प्रोडक्ट है वो है ब्लश। तो आपके पास ब्लश भी होना चाहिए फॉर नेचुरल लुक, ठीक है। कोशिश करिए कि आप शेड वही लीजिए जो आपके स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करे। नेचुरल इफेक्ट देने के लिए लाइट यूज करिएगा, बहुत ज्यादा कोटिंग मत करिएगा कि बार बार लगाइए उससे डार्क हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो क्योंकि हमें नेचुरल लुक क्रिएट करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो कि है हमारा नेचुरल लिपस्टिक और लिप ग्लॉस। तो नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक नेचुरल कलर की लिपस्टिक होनी चाहिए या फिर लिप ग्लॉस होना चाहिए फॉर द डेली बेसिस, फॉर न्यूड कलर या पिंक कलर या फिर ऐसा लाइट शेड जो कि आपके फेस पर भी अच्छा लगे। और आपके पास जो एट्थ प्रोडक्ट है वो है हमारा मेकअप ब्रश। तो हम सबके पास मेकअप ब्रश जरूर होना चाहिए। और हाँ, मेन जो आपको चाहिए कि ब्लश अप्लाई करने के लिए आप ब्रश रखिए। क्योंकि नाइन्थ प्रोडक्ट है वो है सेटिंग पाउडर और सेटिंग स्प्रे। तो ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है, यानी कि हमारी स्किन पर जो स्वेट आना होगा पसीने या फिर ज्यादा देर मेकअप हो जाता है तो ऐसा ऑयली ऑयली सी स्किन हो जाती है। तो अगर आप ये सेटिंग पाउडर और सेटिंग स्प्रे यूज करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए, सेटिंग पाउडर के लिए तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर लीजिए और एक लाइट वेट सेटिंग स्प्रे लीजिए। सेटिंग स्प्रे को हम जब हमारा पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में हम उसको स्प्रे करते हैं, मिस्ट करते हैं पूरे फेस पर, तो वो जो मेकअप होता है बहुत अच्छे से वो फिक्स हो जाता है पूरे दिन के लिए और वो लाइट वेट भी लगता है और बहुत कंफर्टेबल फील कराता है, ठीक है, तो और लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है। चलिए अब लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो चीज सबसे लास्ट, पूरा दिन जैसे हमारा मेकअप में निकल गया, हमारे सारे काम हो गए, जब हमको सोना है, बेड पे जाना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारे पास एक मेकअप रिमूवर होना चाहिए और क्लींजिंग वाइप्स होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम अपने मेकअप को इजिली रिमूव करके देन अच्छे से फेस वॉश करके बिल्कुल फील फ्री होके हम अपने बेड पे जा सके। सो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि बिगनर्स के लिए मैंने बताए जो कि उनके पास होने चाहिए। तो अगर आप बिगनर हैं, आपको आइडिया नहीं है तो आपके पास ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो, मेरा ये सजेशन अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो मेरी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो मेरा वीडियो। ओके, एंड बेल को प्रेस करिए ताकि मेरी आगे की भी वीडियोस आप देख पाएं। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बी हैप्पी, बी हेल्दी। अल्लाह हाफिज़, बाय।